हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जी फाइव पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है लाल बाजार। इस सीरीज में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसके हर एपिसोड की लेंथ 35 मिनट से लेकर 42 मिनट्स। खैर सीरीज की कहानी शुरू होती है कोलकाता से, जहां पर प्रोस्टिट्यूट रूबी का मर्डर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं वहां के लोकल पुलिस सब्बीर और उनकी टीम। खैर उसके अलावा यहां पर एक दूसरा केस भी नजर आता, वो ये कि लेक के पास एक बैग मिलता है जिसमें कुछ ह्यूमन ऑर्गेन्स मिलते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन यानी कि अतड़िया मिलती है। अब उस केस को सॉल्व करते हैं लाल बाजार के होमिसाइड डिपार्टमेंट के हेड सुरंजन और उनकी टीम। तो बस पूरी सीरीज में आपको ये बताया किस तरीके से होमिसाइड डिपार्टमेंट की टीम अलग अलग केसेस को सॉल्व कर रही है, और साथ साथ ये रूबीना प्रोस्टिट्यूट इस केस को किस तरह से लोकल पुलिस ऑफिसर शब्बीर और उनकी टीम सॉल्व करते हुए नजर आती है। बस पूरी सीरीज में आपको यही देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस सीरीज में आपको बता दूं कि कुछ और भी सब प्लॉट्स यानी कुछ और भी मर्डर केस यहां पर देखने को मिल जाएंगे जो कि इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो मेन केस है वो है रूबीना प्रोस्टिट्यूट का। खैर बात करते हैं सीरीज से मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो देखिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक केस को लेकर वो लोग पूरे 10 एपिसोड बना देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो मेन केस है वो तो साइड में चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग जो यहाँ पर केसेस बताए गए वो मुझे ज्यादा खतरनाक देखने को मिले। और जिस तरीके से वहां पर होमिसाइड डिपार्टमेंट की टीम उन सारे केसेस को सॉल्व करते हुए नजर आ रही है वो देखने ही बनता है। और इसमें जितने भी 10 एपिसोड है किसी भी एपिसोड को लेकर आप लोग बोर होते हो, हर एक एपिसोड को इतनी अच्छी तरह से बनाया और उसकी जो लेंथ पर्टिकुलर एपिसोड की उतनी ही रखा गया जितना होना चाहिए था। यानी कि आपको कहीं से भी किसी भी सीन को लेकर आप लोग बोर होते हो, ना ही आप कोई भी सीन ऐसा लगता है कि यार इलॉजिक है। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पूरे मेकर्स ने इस पूरे शो को बनाया। उसके अलावा अगर मैं इस शो में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूँ तो स्पेशली यहाँ पर मैं दो कैरेक्टर्स का नाम लूंगा, एक तो पुलिस ऑफिसर शब्बीर जिनके यहाँ पर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया था कि आप लोग इजिली उनसे कनेक्ट हो जाओ, और दूसरे जो सुरंजन जो कि होमिसाइड डिपार्टमेंट के हेड है उनके भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर देखते मिला जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में बताते हो तो वो हेल्प करता है हमको उनसे इजिली कनेक्ट होने में। और साथ साथ यहाँ पर दूसरे और कैरेक्टर जैसे कि फरजाना उसके भी बारे में काफी कुछ बताया, किस तरीके से उस लाइन में आई, किस तरीके से उसके साथ क्या कुछ पास्ट में हुआ था, ये सब कुछ भी यहाँ पर देखते हुए मिला। तो उससे ये साफ चीज कह सकते हैं कि मेकर्स ने यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को लेके बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है और उन कैरेक्टर्स को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पेश भी किया है। उसके अलावा इस शो की अगर मैं बीजीएम की बात करूँ तो यार बीजीएम मुझे इस शो का थोड़ा सा डल लगा, क्योंकि कुछ कुछ सीन में आपको जो बीजीएम सुनने को मिलता है वो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार हमने इससे पहले भी इस तरीके के बीजीएम ऑलरेडी सुन चुके, तो वो इतना ज्यादा अपीलिंग लगता है नहीं, लेकिन फिर भी इस शो का बीजीएम ओके है। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी की बात करूँ तो यार लोकेशंस काफी बढ़िया लग रहे थे, बहुत ही अच्छी तरह से हर एक सीन को यहाँ पर शूट भी किया, तो इसलिए सिनेमाटोग्राफी शो की बहुत अच्छी है। और उसके अलावा इस शो में अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार मुझे पर्सनली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, और जो एक हिंदी डबिंग है ना यानी कि एक बंगाली एक्सेंट वो आपको हिंदी डबिंग में साफ समझ में आता है, तो उससे मतलब आपको वो फील आता है कि आप वाकई में कलकत्ता पुलिस को देख रहे हो, कलकत्ता के लोगों को देख रहे हो, तो वो इस शो में एक रियल वाली फीलिंग डाल रहा था। कुल मिला के शो इतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है कि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता कि इसके बारे में कुछ नेगेटिविटी निकालना, लेकिन फिर भी इस शो में कुछ ऐसी बात है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा जो आपको खटक सकती है अगर आप लोग इस शो को गौर से देखोगे तो। जैसे कि इस शो में जो हमारा जो मेन प्रोस्टिट्यूट का वाला केस है तो उस केस के पीछे जो मेन कल्प्रिट है वो हमें प्रिडिक्ट हो जाता है, या तो फिर आप लोग अगर लास्ट के एपिसोड देखो तो आपको वहां पर उसका फेस भी बहुत ही क्लियरली बताया, तो वहां पर एक जो सस्पेंस है वो सस्पेंस मर जाता है। वहां पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि ये मेकर्स की गलती है या उन लोगों ने वहां पर जानबूझ के ये चीजें की, क्योंकि फिर एंड में हमको पता चले कि भाई ये वही आदमी जिसको हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, तो फिर जो शॉकिंग मोमेंट होता है ना वो मोमेंट का वहां पर मजा आता नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है उस खामी को हम लोग थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये एक चीज मुझे यहाँ पे फेल्ट हुई। उसके अलावा इस शो में मुझे जो पर्सनली दूसरी चीज गलत लगी वो ये यहाँ पर आपको बहुत सारी गाली देखने को मिलेगी, कुछ एडल्ट सीन्स देखने को मिल जाएंगे, तो इस वजह से ये शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। ऑल्दो ये शो बहुत ही अच्छा शो है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से मैं बोलूंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ इस शो को मत देखना, लेकिन अकेले आप इस शो को जरूर देखना, आपको ये शो अच्छा लगेगा और ये शो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।